हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे सही माप से टेस्टी मीठे चावल। ठीक है, जर्दा पुलाव भी इसे बोल सकते हो, मीठा चावल रेसिपी। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक कप बासमती चावल लिया है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए सोख करके रखा था, मतलब अब रखेंगे। 2-3 बार इसे चावल को धो लेंगे, फिर 2 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख देंगे, तो चावल थोड़ा फूल जाएगा और अच्छा हमारा पुलाव बनेगा। तब तक यहाँ पर चावल को भिगो कर रख दी हूँ और यहाँ पर दूध गर्म करके उसमें केसर डालकर रख दी हूँ गर्म दूध में। ठीक है, और यहाँ पर अभी गैस पर एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए बैठा दी हूँ। 1 लीटर पानी होगा। ठीक है, जब पानी में उबाल आ जाएगा ना, तब चावल को डाल देंगे। पूरा पानी सब छान कर जो चावल को भिगोए थे ना, वो पानी सारा निकाल लेंगे, हटा देंगे। फिर ये सारा, ये जो पतीली में पानी बैठा है, जब उबाल आ जाएगा तभी ये सब चावल डाल देंगे। ठीक है, और इस तरह थोड़ा चलाएँगे ताकि चावल चिपक ना जाए। ठीक है, सिर्फ 7-8 मिनट ही इसे कुक करेंगे, तो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। 7 मिनट के बाद देखेंगे चावल पूरा सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा, तो अभी इसे चलनी में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। कुछ इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तभी अलग करके रख देंगे और ये ठंडा होता रहेगा। तब तक देखिए, आधा कप दूध ली हूँ, गरम दूध है, और इसमें केसर डाल दिए थे। केसर में कलर नहीं आया था, तो थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डालकर पिंच भर उसमें मिक्स करके रख दी हूँ। अब कढ़ाई बैठा दी हूँ, इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। और देसी घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो 1 तेज पत्ता इसे तोड़ कर डाल दी हूँ, और फिर 4 लौंग और 5 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का स्टिक डाल देंगे। लो फ्लेम में इसे भूनेंगे और ये सब इलायची को ऐसे थोड़ा दबा देंगे तो उसका खुशबू अच्छा आएगा। ठीक है, और खुशबू आने तक उसे भूनेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सब ये है सूखा खोपरा, सूखा नारियल को इस तरह लंबे लंबे काट देना, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये आप जरूर डालिएगा। तो ये भी मैं डालकर भून रही हूँ, थोड़ा इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो जितने सारे अभी ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, आप भी अपने पसंद के अनुसार लीजिए, लेकिन ज़्यादातर तो पुलाव में, मीठे चावल में इस तरह ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, और गाँव में तो बिना डाले भी खाते हैं, बस इस तरह नारियल ही डालकर खाते हैं। काजू बादाम इतना नहीं डालते हैं, सिर्फ काजू डालते हैं। तो मैं यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश सब 2-2 टेबल स्पून ली हूँ। ठीक है, इतने इतने पूरा 2-2 चम्मच ले लेना। तो ये भी सब ऐसे, काजू को भी मैं से 2 टुकड़े में ऐसे खोल ली हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, अच्छी तरह से भुन जाए। किशमिश को बाद में फ्राई करूँगी, भूनूंगी, तो पहले काजू और ये बादाम को भून लेंगे नारियल के साथ। तो ये तीनों हार्ड रहता है ना थोड़ा, तो ये ब्राउन कलर हो जाएगा, तो फिर इसको साइड करके किशमिश थोड़ा भून लूँगी, फिर किशमिश को अलग से निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा भी पूरा फ्राई हो चुका है, काजू नारियल और ये क्या बोलते हैं, काजू बादाम नारियल, ये सब मैं भून कर साइड कर ली हूँ, क्योंकि कलर थोड़ा हल्का ब्राउन हो चुका था। तो अभी ये किशमिश डाल दूँगी और ये भी थोड़ा फूल जाएगा, भून जाएगा, तो इसे निकाल लूँगी, ये बाद में फिर डालूँगी जब पुलाव बन जाएगा। तो नहीं तो साथ में सब डालेंगे करेंगे तो पूरा मेसी हो जाएगा, मतलब एकदम पूरा ये पेस्ट बन जाएगा, इसलिए इसको पहले पूरा छान कर निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। तभी ये काजू बादाम अच्छे तरह से ये फ्राई हो चुका है, नारियल भी। अब यहाँ पर 1/2 कप गरम दूध लिए थे, और आधा अगर इस तरह करोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है, काजू को भून कर करते हो तो, काजू बादाम को। ठीक है, आप छोटे छोटे पीस मत करना, ऐसे अक्खा ही रहना चाहिए। तब कढ़ाई में 1/2 कप गरम दूध में जो केसर मिलाकर रखी थी ये डाल दी हूँ। जिस कप में मैं चावल ली थी उसी कप में सब मेजरमेंट बराबर है, 1/2 कप ही ली हूँ दूध। तो अब ये सब दूध में उबाल आ जाएगा ना, दूध डाल दी हूँ और दूध में उबाल आ जाएगा, तो इसी के साथ चावल भी डाल देंगे जो छान कर रखे थे चावल को। ठीक है, बोलने में टंग स्लिप हो जाता है, थोड़ा आप समझ लेना। ये चावल को जो हम छान कर रखे थे ना बॉयल पानी से, ये ठंडा हो चुका है, अब पूरा ये दूध में डाल देंगे क्योंकि दूध भी उबल चुका है। ठीक है, गरम दूध में तो हम केसर मिलाकर रखे थे फूड कलर, केसर अगर आपका कलर नहीं देगा तो थोड़ा सा येलो कलर का फूड कलर डाल देना। ठीक है, तो वैसे दूध गर्म हो जाएगा, एक उबाल आ जाएगा, तो फिर ये सब हम जो छान कर रखे थे बासमती राइस को डाल देंगे। अब इसमें पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा सब चावल में इसका कलर अच्छा हो जाए, कोटिंग अच्छा आ जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें मीडियम फ्लेम करके लो मीडियम फ्लेम में ही करना है। एक कप शक्कर डाल देंगे, एक कप चावल ली थी उसी कप में एक कप चावल और एक कप शक्कर, तो एकदम बराबर रहता है। नहीं तो आपको अगर ज़्यादा लगेगा कि मीठा है तो ज़्यादा तो नहीं लगेगा, ये ऐसे ही मीठा चावल तो इसी तरह बनता है, तो आप एक दो चम्मच कम कर लेना, उससे ज़्यादा कम मत करना, बराबर जिसे कप में हम चावल लिए थे ना उसी कप में हम शक्कर लेंगे, चीनी बोलते हो कि शक्कर बोलते हो जो भी, शुगर, ठीक है। एक कप शुगर डाल देंगे, एकदम ये परफेक्ट सही माप है। आप इस तरह बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था, आप भी इस तरह बनाइए खाइए, जिसको ज़्यादा पसंद है मीठा, मीठा खाने का, ठीक है। तो इस तरह शक्कर भी डाल दी हूँ, अब इसे लो फ्लेम करके सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाए, और इसको हल्के हाथों में मिक्स करते रहेंगे, और इसे ढककर 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बीच बीच में से देखते रहना, डायरेक्ट ऐसे ढककर 10 मिनट के लिए मत ये कर देना, और थोड़ा किशमिश भी इसमें डाल दी हूँ जो फ्राई की थी, और दो तीन ऐसे रख दी हूँ ताकि ऊपर से हो जाने के बाद ऊपर डालूंगी। हमें तो डालने की ज़रूरत नहीं है गार्निशिंग ज़्यादा करने की, क्योंकि हम अखा सब काजू बादाम डाले हैं। आपके पास होगा तो पिस्ता भी डाल देना, जितने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर यही डालते हैं, काजू बादाम और किशमिश, और साथ में ये नारियल जो सूखा खोपरा ऐसे डालोगे ना फ्राई करके, बहुत अच्छा लगेगा मीठे के साथ। तो देखिए अभी ये शक्कर भी मेल्ट हो चुका है, तो आपको थोड़ा पानी जैसा लगेगा, तो इसे पूरा अभी 10 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे, बीच बीच में निकाल कर देखते रहेंगे, जब तक ये चावल मतलब जो हम ये चाशनी बनाए हैं ना, अरे शक्कर डाले हैं ना, तो चाशनी बन जाएगा फिर चावल में, जब तक ये ऑब्जर्व नहीं कर लेता है चावल को मेल्ट होकर, तब तक हमें इसे कुक करना है, मतलब सूख जाने तक, ठीक है। तब गैस का फ्लेम देखिए बंद कर देंगे, 10 मिनट पूरा लगता है बीच बीच में ऐसे देखते रहने का, 5 मिनट बाद ऐसे देखते रहना, तो यहाँ तक ही होना चाहिए। तो देखिए अच्छी तरह से ये पूरा ऑब्जर्व कर लिया है चाशनी चावल को। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसको 15 मिनट में ढककर रख दी थी, और 15 मिनट के बाद देखेंगे फिर से, तो देखिए कितना खिला खिला रहता है ना, अभी थोड़ा और गर्म है हाँ, तो जितना ठंडा होने के बाद दोगे ना बहुत और अच्छा लगेगा। अभी तो इतना पूरा सूख गया है, मस्त एकदम खाने में भी सुपर टेस्ट लगता है, तो मैं अभी सर्व कर दूंगी। 15 मिनट बाद इसे गैस का फ्लेम बंद कर देना, जब ये सूख जाएगा तो फिर 15 मिनट ऐसे ही ढककर रखना, उसके बाद सर्व करना। तो देखिए उसके बाद 15 मिनट बाद मैं सर्व कर रही हूँ, तो पूरा मस्त एकदम खिला खिला बना है, और ऊपर से आप अगर कम डाले होंगे घी तो 2 चम्मच घी ऊपर से डालकर पूरा मिक्स कर लेना, तो और अच्छा लगेगा। मैं तो ज़्यादा घी डाली थी, बहुत मस्त लगा है, एकदम खिला खिला हुआ है, तो आप इस तरह खाइए। और जो और बच्चे हैं किशमिश, वो भी ऊपर से मैं डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए, अखा डाली हूँ इसलिए और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, काजू बादाम बहुत सब मस्त है इसमें, एकदम भरा भरा है। आप भी इस तरह बनाइए खाइए, फिर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। हल्के हाथों से मिक्स करना बाद में हो जाने के बाद। फिर ये देखिए अभी मैं सर्व कर दी हूँ, ये मीठा चावल जर्दा पुलाव रेडी है। और फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी कि क्या, आपको कैसे लगी ये हमें आप बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अच्छा लगे तो अच्छी सी प्यारी सी कमेंट करना यार ये बनाना, हाँ ये पुलाव बहुत मस्त बना था, तो आप भी इस तरह बनाइए और बताइएगा। और थोड़ा पानी में नमक डाल देना हाँ, 1 टीस्पून, तो बहुत अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन मस्त लगेगा मीठा का।